हेलो एवरीवन, दिस इज सैयद शाबाज हियर। क्या आपको पता है दोस्तों कि लिविंग सेल से भी हम एक रोबोट को डेवलप कर सकते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि आज तक जो हमने रोबोट्स देखते आ रहे हैं हमारे बचपन से, कि तरह तरह के बैटरी पावर्स को यूज किया जाता है, प्रोग्रामिंग को यूज किया जाता है, राइट, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं ताकि एक रोबोट को हम डेवलप कर सकें। बट हाल ही में एक ऐसा रिसर्च निकल कर आया है कि यूएस के जो कुछ साइंटिस्ट है, उन्होंने एक लिविंग सेल से, जो एक फ्रॉग से निकाले गए थे, उससे इन्होंने एक लिविंग मशीन को तैयार कर दिया, एक रोबोट को तैयार कर दिया, और उन्होंने इसका नाम रखा है ज़ेनोबॉट्स। जी हाँ, आज का लेक्चर हमारा इसी के ऊपर डिपेंड रहेगा, तो इसके पर हम सारे चर्चा करेंगे कि इसके एप्लीकेशंस क्या है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या होगा, किस तरह से हम इसको आगे चलकर यूज कर सकते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और कौन से फ्रॉग से इसको निकाला गया है, इसके और कहाँ पे इसको डेवलप किया गया है, सारा कुछ मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। सो बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो वीडियो है हमारे बीट्स यूट्यूब चैनल से पेश किया जा रहा है, और हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँच सके और उनको भी पता चले कि इस तरह के रोबोट्स भी अभी एग्जिस्ट होने लगे हैं। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर दोस्तों। तो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि ये जो रोबोट है, एक लिविंग सेल से डेवलप किया गया है, नॉट लाइक नॉर्मल रोबोट्स, ओके। और मैंने एक रोबोटिक सीरीज को भी स्टार्ट की है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा, पहले हमने रोबोट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा है, हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, बीट्स यूट्यूब चैनल पे, और उसके बाद हमने एक रोबो प्लांट्स को भी डिस्कस किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिविंग सेल्स के ऊपर रहेगा, राइट। तो साइंटिस्ट जो यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने एक लिविंग मशीन्स को क्रिएट किया, और इसकी खासियत ये है कि अपने आप में वो हो सकते हैं, ओके। उनको कोई सोर्स की जरूरत नहीं होती है, उनको कोई प्रॉपर एनवायरनमेंट की कोई जरूरत नहीं होती है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अपने आप को ये हील भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के आपने रोबोट्स को देखा होगा कि अगर कोई प्रोग्रामिंग डिफेक्ट्स हो जाए या फिर कोई डैमेज हो जाए, तो दे कैन नॉट हील देमसेल्फ, राइट। तो शॉर्ट सर्किट होकर वो डैमेज परमानेंटली हो जाते हैं अगर हम उसको रिपेयर ना कर सकें। तो ये रोबोट्स की खासियत ये है, ज़ेनोबॉट्स की, ये अपने आप को हील भी कर सकते हैं दोस्तों, ओके। तो इसको इन्होंने एक मिलीमीटर के साइज में डेवलप किया है, तो इसीलिए इसका नाम ज़ेनोबॉट्स रखा गया था, और ये बेसिकली एक एक्वाटिक फ्रॉग में जो लिविंग सेल्स है वहाँ से इसको डेवलप किया गया। ज़्यादातर अगर आपने देखा होगा, इसके लोकेशन जो है नाइजीरिया एंड सूडान, ओके, और साउथ अफ्रीका में इस तरह के फ्रॉग्स पाए जाते हैं, और इसका जो नाम है वो है ज़ेनोबॉट्स लेविस। वेरी इंपॉर्टेंट नेम टू बी नोट डाउन दोस्तों, क्योंकि आपको एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, ओके? तो चलिए, साइंटिस्ट हैव रीपर्पज दिस लिविंग सेल, जो कि फ्रॉग एम्ब्रियोस से निकाला गया है, उसको इन्होंने कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशंस किए, कुछ टेक्निकली चेंजेस करके एक रोबोट्स को डेवलप किया गया। तो देखिए, बेसिकली फ्रॉग का जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, जो साइकिल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले जो एक फीमेल एक एग्स को ले करती है, उसके बाद मेल फ्रॉग से उसको स्पर्म्स के जरिए से रिप्रोडक्टिविटी किया जाता है इन एम्ब्रियोस, ओके। तो ये ज़ेनोबॉट जो है, इसको इस तरह से डेवलप किया गया है कि आगे चलकर ये कई सारे पेलोड्स को भी कैरी आउट करते हैं, ओके। अगर आप कोई मेडिसिन पहुंचाना चाहते हैं बॉडी के अंदर, या कोई टारगेटेड सेल्स को आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, जैसे कि कैंसर थेरेपी में अगर आप देखना होगा कि लेजर यूज करके हम टारगेट सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो आगे चलकर इस तरह के एप्लीकेशंस भी हम देख सकते हैं। जो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है, जोशुआ बोंगार्ड इनका नाम है, और एक एक्सपर्ट भी रह चुके हैं रोबोटिक्स से, तो इनका ये कहना है कि ये आप या इनको नोवल लिविंग मशीन्स भी नहीं कह सकते, ओके, बिकॉज दे आर नॉट कम्प्लीटली ट्रेडिशनल रोबोट्स और नॉट कम्प्लीटली स्पीसीज ऑफ द एनिमल, ओके, इन बिटवीन दे आर एग्जिस्टिंग। ट्रेडिशनल रोबोट का मतलब जो हम देखते आ रहे हैं अभी तक, जो पावर बैटरी पावर से, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते आ रहे हैं, और ये कम्प्लीटली आप स्पीसीज ऑफ एनिमल भी इसको कह नहीं सकते, इसके बीच में इसको डेवलप किया गया है दोस्तों, एक लिविंग प्रोग्रामेबल ऑर्गेनिज्म है, ओके। तो चलिए, दिस न्यू क्रिएचर वाज डिजाइंड ऑन द सुपर कंप्यूटर, एक टफ्ट्स यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इसको टेस्टिंग भी की गई है, और सुपर कंप्यूटर्स में इसको डिजाइन किया गया है, और जो कई सारे साइंटिस्ट का ये कहना है कि लाइक जो दूसरे मशीन्स करते हैं सर्च करना, या फिर कोई कॉम्पाउंड्स को, या फिर कोई रेडियोएक्टिव कंटामिनेशन को सर्च करना, अगर आपने देखा होगा रोबो प्लांट्स में भी हमने इस तरह के एप्लीकेशंस को देखा है, राइट। रोबो प्लांट्स क्या करते हैं, जो ग्राउंड वाटर में जो भी रेडियोएक्टिव कंटामिनेशन है, जो नाइट्रो कॉम्पाउंड्स हैं, उसको डिटेक्ट करके आपको अलार्म भेजते हैं,
तो इसी तरह इन ये जो जिनोबॉट्स हैं उनका भी यही अप्लीकेशन है, और कई सारे माइक्रो प्लास्टिक का जो आपने देखा होगा किस तरह से ओशंस को पोल्यूट किया जा रहा है, वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं सारे इसको, और बियॉन्ड दैट और इनके कई सारे एप्लीकेशंस भी है। ओके, अगर आपने देखा होगा कि ह्यूमन बीइंग्स कंटिन्यूसली मैनिपुलेट करता आ रहा है यू नो ऑर्गेनिजम्स को ताकि उसको बेनिफिट हो सके, कई सारे जेनेटिक एडिटिंग की है, और एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा हाइब्रिड सीड्स को इसने डेवलप किया है। तो ये ऐसा मानना है कि ये भी ये जेनोबॉट जो है एक फ्रॉग सेल से डेवलप करना एक ब्रेक थ्रू है हमारे लिए, आगे चलकर हम उसको प्रॉपर टेक्नोलॉजी अगर डेवलप हो जाए तो आगे चलकर हम उसको मेडिसिन फील्ड में या फिर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फील्ड में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए, तो अभी हम इस अफ्रीकन फ्रॉग के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ज़ेनोपस जो है एक अफ्रीकन फ्रॉग का ही जीनस है, ओके, जो कि कॉमनली आपको इसको अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग्स कहा जाता है। और इसके जो दो स्पीसीज है जो रेगुलरली आपको मिलते हैं, एक तो ज़ेनोपस लिविस है और ज़ेनोपस के फ्रॉक्साइल है, और बोथ आपको स्पीसीज एक फुल्ली एक्वाटिक और इजी टू मेंटेन कैपेसिटी में आपको मिलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने देखा होगा इसके यूजर्स की अगर बात करें तो क्यों इसको चुना गया है, सो ज़ेनोपस इज ए वैल्यूबल टूल बिकॉज ये हार्डली और फुल्ली एक्वाटिक और इजी टू मेंटेन, आपको लेबोरेटरी में एक मिनिमम टेम्परेचर में आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, और इसके जो एग्स हैं ये ईयर अराउंड आपको मिल सकते हैं दोस्तों, बिकॉज इनका जो फर्टिलाइजेशन है ऐसा नहीं कि एक सीजनल फर्टिलाइजेशन होता है, जिस तरह से जो डिफरेंट एनिमल्स हैं जो डिफरेंट स्पीसीज हैं उनका जो फर्टिलाइजेशन पर्टिकुलर सीजन में रहता है, बट इनका जो ये जो फ्रॉग है ईयर अराउंड आपको एग्स इनके मिलते हैं, राइट, एंड एग्स आर वेरी रिलायबल फ्लेक्सिबल, आप रिसर्च में इसको किस तरह से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट, और इनके जो एम्ब्रियोस होते हैं एक गुड मॉडल माना जाता है ताकि हम उसको कई सारे जेनेटिक एडिटिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से इस फ्रॉग्स को चुना गया है दोस्तों, एंड दिस ज़ेनोबॉट्स कुड पोटेंशियली बी यूज्ड टुवर्ड्स अ होस्ट ऑफ टास्क। ओके, तो एक डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स के द्वारा एक रिपोर्ट भी पब्लिश की गई थी, ये एक्चुअली फेडरल एजेंसी है यूएस की, तो उन्होंने कहा है कि आगे चलकर हम इस ज़ेनोबॉट्स को एक मिलिट्री यूज के लिए भी यू नो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो डिफेंस के द्वारा इन्होंने पब्लिश किया एक रिपोर्ट को, क्योंकि जिस तरह से ये मैनिपुलेट करता है अपने आप को, जिस तरह से जो हील करता है अपने आप को, राइट, और जिस तरह से खुद से ये अपने आप को मूव करता है, इसे कोई बैटरी पावर की जरूरत नहीं है, तो ये सारे रिसोर्सेज को देकर डिफेंस वालों ने ये भी कहा है कि हम आगे चलकर इसको मिलिट्री पर्पज के लिए भी यूज करने वाले हैं। ओके, और ज़ेनोबॉट्स कैन सर्वाइव इन एक्वियस एनवायरमेंट ऑल्सो। ओके, इनको कोई एडिशनल यू नो न्यूट्रिएंट्स की कोई जरूरत नहीं है। ओके, कई हफ्तों तक या कई महीनों तक ये अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, तो बेसिकली इनका जो इंटरनल ड्रग डिलीवरी करने में ज्यादातर हम यूज इसको कर सकते हैं। तो असाइड फ्रॉम दिस इमीडिएट प्रैक्टिकल टास्क हो गया, और ये ज़ेनोबॉट जो कई सारे रिसर्चर्स को सेल बायोलॉजी पढ़ने में भी मदद कर सकता है दोस्तों। ओके, किस तरह से जो ह्यूमन हेल्थ है और किस तरह से लॉन्गेविटी है और उसका जो फ्यूचर एडवांसमेंट हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, ये भी रिसर्चर्स को यू नो स्टडी करने में मदद कर सकता है ये ज़ेनोबॉट्स। ओके, अगर आगे चलकर हम इसका कोई 3D बायोलॉजिकल फॉर्म अगर बना दे तो इस अपार्ट फ्रॉम द यू नो मेडिकल यूज, अपार्ट फ्रॉम द मिलिट्री यूज, ये आगे चलकर एक बर्थ डिफेक्ट को भी रिपेयर करने का काम कर सकता है। ओके, और कई सारे ट्यूमर जो हमारे ह्यूमन बॉडी में डेवलप हो जाते हैं उसको भी ये सही कर सकता है, राइट, और ट्रोमेटिक इंजरीज या जो भी डिजेनरेटिव डिसीज है, राइट, जिसको हम रिपेयर नहीं कर सकते, जिसके सेल परमानेंटली डैमेज हो जा सकते हैं, उसको भी ये रिपेयर करने की क्षमता रखता है। तो एक ब्रेक थ्रू माना जाता है दोस्तों आजकल, अगर ये कॉमन डेवलप हो जाए, अगर एक 3D मॉडल या फिर 3D बायोलॉजिकल फॉर्म डेवलप हो जाए, देन वी कैन हैव ए ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी इन मेडिकल यूज एज वेल एज मिलिट्री यूज। ओके, तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की अगर बात करें तो आजकल के जो लोग हैं वो अपने आप में एक यू नो एक चिंता बनी रहती है उन लोगों के बीच में कि आगे चलकर इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है कहीं उनके ऊपर हावी ना हो जाए। ओके, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल जो मैनिपुलेशन जो आजकल किए जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ यू नो टेक्नोलॉजिकल एरर ना हो जाए या फिर उनके ऊपर कोई खतरा ना बन जाए, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कई सारे रोबोटिक्स फिल्म्स में आपको दिखाया जा रहा है कि खुद ब खुद प्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं। ओके, एंड इवन दे आर कॉजिंग हार्म टू द ह्यूमन बीइंग, ये बात मैंने आपको रोबो प्लांट्स में भी बताया था, राइट। तो आगे चलकर इस तरह से कोई अगर यू नो एक स्पीसीज ऑफ एनिमल से अगर हम रोबोट्स को डेवलप कर सकेंगे तो इस तरह से हार्म को हम रोक सकते हैं दोस्तों। ओके, और आगे चलकर हम स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह से इस सिस्टम्स को हम हैंडल कर पाएंगे,
ओके okay? और क्या क्या इसका आउटकम रहेगा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स आउटकम है तो किस तरह से हम रिजोल्व कर पाएंगे okay? और एक जो स्टडी है, एक डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है टू गेटिंग ए हैंडल ऑन व्हाट पीपल आर अफ्राइड ऑफ, जो लोगों में जो डर बना हुआ है जो रोबोटिक्स को लेकर, उसको दूर करने का भी एक काम करता है, क्योंकि एक लिविंग सेल से इसको डेवलप किया गया है। अभी तो जिस तरह से जो टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है जो टेस्ला लेकर आ रहा है एट फॉरेन कंट्रीज में, आपने देखा होगा ऑलरेडी दे आर इम्प्लीमेंटेड, और इंडिया में भी इसको लाने की बात की गई है, और कई सारे वायरसेस को ये लोग डेवलप कर रहे हैं, ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए वायरसेस को डेवलप किया जा रहा है, और ह्यूमन एक्सपीरियंस जो बढ़ते जा रहा है आगे चलकर, तो पता नहीं किस तरह से इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बट एनी हाउ होप फॉर द गुड कि आगे चलकर इस टेक्नोलॉजी को हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाए, ओके okay? इसके डिफेक्ट्स कम हो और बेनिफिट ज़्यादा हो, ये पॉजिटिव पॉइंट और पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे बीच में बने रहे। तो इसी पॉजिटिव पॉइंट के साथ मैं आज का लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। आज हमने ज़ेनोबॉट्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से एक मिलीमीटर रोबोट यूज़ कर हम मेडिकल यूज़ को किया जाता है, मिलिट्री यूज़ को भी हम कर सकते हैं, और एक फ्रॉग के लिविंग सेल्स इसको डेवलप किया गया था, ओके okay, इसके बाद इससे पहले मैंने रोबो प्लांट्स के ऊपर भी लेक्चर बनाए और रोबोटिक टेक्नोलॉजी के ऊपर भी मैंने लेक्चर्स को बनाए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे बीट्स यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आज ही जाकर आप देख सकते हैं, ताकि आपको एक कंटिन्यूशन बना रहेगा, आपको हमारी जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है आपको क्लियरली समझ में आए। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। The Beats for You, नॉर्थ अमेरिका में बसने वाले भारतीयों का एक ऐसा इनिशिएटिव जिसका मकसद भारत की एजुकेशन और साइंस की डेवलपमेंट की बढ़ोतरी में अपना योगदान करना है। भारत की तालीम और साइंस का कंपैरिजन होगा चीन और अमेरिका के साथ। बीट्स में आप देखेंगे टॉक शोज, पैनल डिस्कशंस, ट्यूटोरियल वीडियोस एंड डॉक्यूमेंट्रीज। Subscribe Beats YouTube channel, like Facebook page and Instagram. Visit its website thebeatsforyou.com.